अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सर सैयद चिल्ड्रंस अकेडमी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ऑफ ग्रेड 8. इट्स योर लेक्चर 9 एंड आई एम योर टीचर मिस सबा. डियर स्टूडेंट्स, टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट नोटिफाइड अबाउट योर न्यू लेक्चर्स. इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल. लेट्स सी how it works. Well, unlike indefinite articles, the definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. The signals that the noun is definite that it refers to a particular member of a group. Iska matlab ye hai ki hamara definite article the hamesha wahan use hota hai jahan pe aapka noun chahe singular ho ya plural ho, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, मींस खास होना चाहिए. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, द डॉग दैट बिट मी रैन अवे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बिट मी मींस हम उस डॉग की बात कर रहे हैं जिसने मुझे बिट किया, मींस काटा. तो एक स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, किसी भी एक डॉग की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ द यूज़ किया. नाउ इन एग्जांपल नंबर टू, आई वाज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माय कैट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पुलिसमैन, नॉट अबाउट एनी पुलिसमैन. इवन इफ वी डोंट नो द पुलिसमैन नेम, इट्स स्टिल अ पर्टिकुलर पुलिसमैन बिकॉज इट इज़ द वन हु सेव्ड द कैट. सो यहाँ पर यह बात वाजे है कि हम एक ऐसे पुलिस वाले की बात कर रहे हैं जिसने मेरी कैट की लाइफ बचाई थी या सेव की थी. सो this policeman is particular, it's not about any policeman. Now in example number 3, I saw the elephant at the zoo. Here we're talking about the particular elephant, means this is the specific noun. We are not talking about any elephant, maybe there's only one elephant at the zoo, so we are talking about that one elephant which is particular. That's why we use the. Now let's take some more examples to understand the uses the definite article has. First we will talk about count and non-count nouns, how we use the with them. The can be used with non-count nouns or the article can be omitted entirely. I love to sail over the water, some specific body of water, or I love to sail over water, any water. Here if you are talking about specific water, kisi ek khas water ki baat ho rahi ho, to hum the इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर किसी भी पानी की बात हो रही हो तो हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसे ओमिट कर देंगे. ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, उसने पूरे फ्लोर पर दूध गिरा दिया. सम स्पेसिफिक मिल्क, परहैप्स मिल्क यू बॉट अर्लियर दैट डे, यहाँ पे ख़ास किस्म के मिल्क की बात हो रही है, ठीक है, शायद वो मिल्क है जो आपने आज ही ख़रीदा था. और ही स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, यहाँ पे किसी भी मिल्क की बात हो रही है. तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप दा यूज़ करेंगे, और अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं तो आप दा यूज़ नहीं करेंगे. दीज आर द नॉन काउंट्स, मीन्स ये वो नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, आप मिल्क को और वाटर को काउंट नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सी, ए एंड एन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दे कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंट नाउन्स. हम उन्हें सिर्फ काउंट नाउन के साथ यूज़ करते थे, मीन्स जिसे हम गिन सकते हो. लाइक आई नीड अ बॉटल of water means you cannot count water but you can count bottle. So हमने एक पानी की बोतल के बारे में बात की, इसलिए हमने यहाँ पे आ यूज़ किया. Then I need a new glass of milk. Now we are talking about the glass, not the milk. हम यहाँ पे milk को count नहीं कर सकते, लेकिन हम glass को count कर सकते हैं. That is why we used a. Most of the time you can't say she wants a water unless you are implying say a bottle of water, means आप ये कभी नहीं कह सकते कि उसे एक पानी चाहिए, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसे एक पानी की बॉटल चाहिए. तो आप आ को तब यूज़ करेंगे जब आप के पास गिवन नाउन काउंट नाउन हो, अदरवाइज यू विल यूज़ द और यू कैन इंटायरली ओमिट द फ्रॉम द सेंटेंस इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स सम अदर यूजेस. हियर आर सम मोर स्पेसिफिक रूल्स टू यूज़ द. Da is used in the following categories of proper nouns. We all know that proper nouns are specific nouns, specific words, specific places or things. So whenever we are talking about some proper nouns, we use da before them. Like we are talking about some museum or art galleries, which are specific by the way, so we will use da before that. Like the Walker Art Center, the
Minneapolis Institute of Art. And same for the buildings, the Empire State Building, the Willis Tower. Sea and oceans, the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean. Rivers, the Mississippi, the Nile. Deserts, the Sahara Desert, the Sonora Desert. Periods and events in history. Now, if you talk about, we are talking about the history, something happened in the history or there is a specific period of history, we will use the before that, like the Dark Ages, the Civil War. Now, if we are talking about some specific bridges, then we will use the before them as well, like the London Bridge, the Mackinac Bridge. Now, points on the globe. If you are talking about the points of the globe, we will use the before them, like the equator, the North Pole. Parts of a country or geographical areas. Now, these are also used with the, like the South, the Upper Midwest, the Middle East, the West. इसका मतलब है इन सारे स्पेसिफिक नाउन्स के साथ, इन प्रॉपर नाउन्स के साथ आप हमेशा द यूज़ करेंगे. नाउ कीप दैट इन माइंड एंड मूव फॉरवर्ड. इन जनरल वी यूज़ द विद प्लूरल प्रॉपर नाउन्स. अब हमारे पास जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और प्लूरल फॉर्म में प्रॉपर नाउन्स के साथ आप द यूज़ करेंगे, लाइक द ग्रेट लेक्स, द फ्रेंच, द रॉकीज. द रॉकीज मीन्स रॉकी माउंटेन्स, दैट कुड बी एनी माउंटेन्स, but they are proper because they are any mountains but the rocky. And da is often used with proper nouns that include an of phrase, means da hum un sab proper nouns ke sath use karte hain jisme of ka istemal ho raha ho, like the United States of America, the University of Minnesota, the International Swimming Hall of Fame. Like you cannot say the United States or the America or the University or the Minnesota, but you can use them with of, include in the phrase. Now let's move forward towards some other rules. Use the when the noun being referred to is unique because of our understanding of the world. यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि हम दा को सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हों वो यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में. लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हेयर अर्थ एंड सन आर स्पेसिफिक्स, दे आर पर्टिकुलर, दे आर यूनिक, सो वी यूज द विद दैम. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, वुल्व्स हाउल एट द मून. नाउ मून इज ऑल्सो यूनिक, सो वी यूज द विद इट. सो यूज द वेन अ नाउन कैन बी मेड स्पेसिफिक फ्रॉम अ प्रीवियस मैंशन इन द टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड और सबसिक्वेंट मैंशन. Let me make one thing clear. When we use a in a sentence, then we can use the for second mention of the same noun. Like, for example, my son bought a cat. I am looking after the cat while he is on vacation. Here you can see, first we use a because we didn't know which cat. क्योंकि यहाँ पे एक cat की बात हो रही है कि एक cat खरीदी गई. Now, अब उसी कैट का ख्याल रखा जा रहा है, अब वो कैट स्पेसिफिक हो गई है, इसलिए हमने दा का इस्तेमाल किया कैट के साथ. इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में पहले एक चीज़ को मेंशन करने के लिए आ इस्तेमाल किया जाए, जब उस चीज़ का दोबारा मेंशन आता है उसी सेंटेंस में, तो हम दा इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रीड अ गुड बुक. एग्जाम्पल नंबर टू, द बुक वॉज अबाउट हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स करेक्टली इन इंग्लिश. नाउ फर्स्ट हमने एक किताब की बात की कि मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी, अब वो कोई भी एक किताब हो सकती है. लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने ये कहा कि द बुक वॉज अबाउट, अब उसी किताब को जिसे मैंने पढ़ा था, अब उसी किताब की बात दोबारा की जा रही है. इट मीन्स अब एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है. पहले हमने किसी भी एक किताब की बात की, और जब हम उसी किताब के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो अब वो किताब क्या हो गई, स्पेसिफिक, इसलिए हमने द इस्तेमाल किया. So it is clear that if we are using same noun twice in a sentence, then we can use a for first mention and da for the second mention of the noun. Now let's move forward toward the other use of da. Now here we have another use of da, which is superlative adjectives, which are necessarily unique. Means the first, the second, the biggest, the smallest, the next, the only, etc. As we all know, there are three degrees of adjective. The first is positive, then there is comparative, and then the superlative. We always use da with the superlative degree of adjectives. Hum hamesha superlative adjectives ke saath
द का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द फर्स्ट स्टडी टू एड्रेस द इशू. हेयर फर्स्ट इज द एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सो वी यूज द. नाउ शी वॉज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट. नाउ वीकेस्ट इज सुपरलेटिव, सो वी यूज द. ही वॉज द ओनली पर्सन टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी. नाउ ओनली इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सो वी यूज द. सो हमेशा ख्याल रखें कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात होगी तब हम द यूज करेंगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर एंड वेन not to use any articles. Now, some common types of nouns that don't take an article are. कुछ ऐसी types हैं nouns की जहाँ पर articles का इस्तेमाल नहीं होता. ये वो जगह होती हैं जहाँ पर आप कभी भी articles use नहीं करेंगे. Number one, name of languages and nationalities means Chinese, English, Spanish, Russians. आप इनके साथ क्या करेंगे, इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप नेशनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं या फिर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. लेकिन अगर आप किसी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप दा इस्तेमाल करेंगे. लाइक द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी. यहाँ पर आप स्पेनिश पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इसलिए आपने क्या किया, दा का इस्तेमाल किया. नाउ नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, आप इनके साथ दा इस्तेमाल नहीं करेंगे. नेम्स ऑफ अकेडमिक सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल इनके साथ नहीं किया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डेफिनेट आर्टिकल दा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द होम टास्क ऑफ टुडे. टू कम्प्लीट दिस होम टास्क, फर्स्ट यू हैव टू watch this video couple of times and also the previous video in which we talked about the article A and M, because here you have two exercises in this home task and in both exercises you will be using all the three articles and also you will be prepared for the omission of articles. Now let's see. Here in your task number one, you will fill these blanks with articles A, an, or the, wherever that is necessary, and you will choose X where no article is used. Means here, in sentences mein, aap A, an, or the ka istamal karenge apni understanding ke mutabik, aur jahan par aapko lage ki koi article nahi aayega, wahan par you just have to put X. Now, let's move towards the other task. Now in this second task, you will fill in the blanks with the appropriate article A, an, or the, or leave the space blank if no article is needed. Here what you will do is you will use articles A, an, or the according to your understanding. Agar aapko lagta hai yahan A aana chahiye, you will use A. Agar aapko lagta hai an aana chahiye, you will use an. Aur agar aapko lagta hai kisi sentence mein da aana chahiye to you will use the. Lekin agar aapko lagta hai ki kisi ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करना चाहिए तो आप उस ब्लैंक को खाली छोड़ देंगे. एंड यू विल डू दीज टू टास्क इन योर रजिस्टर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद SSC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. एंड टू डू दैट प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट द न्यू लेक्चर्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.